नमस्कार दर्शकों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आज दो दिनों के बाद कृषि उपज मंडियां खुली है और दो दिन की छुट्टी के बाद में अच्छी खासी आवक सामने देखने को मिल रही है। हमारे साथ में प्रेम जी हैं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, लहसुन के व्यापारी हैं। इनसे समझेंगे कि आज जो मंडी के अंदर लहसुन आई है, कितनी लहसुन आई होगी और कितनी जो है आज क्या बाजार रहा, क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से देखा जा रहा था कि मार्केट जो लहसुन है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। तो अब आज की क्या स्थिति है और आगे की क्या स्थिति रहने वाली है, हम समझते हैं। प्रेम जी, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज दो दिनों के बाद मंडियाँ खुली है तो किस तरह की आवक है मंडी में, खासतौर से मंडी में आवक तो रेगुलर अभी 10 से 15-20 हज़ार की आवक हो रही है। काफ़ी भाव भी अच्छे हैं। दो दिन में मंडी खुली है लेकिन भाव इस तरह रहे हैं, भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा है, ने भाव भी काफी, इस भाव से किसान काफी खुश हैं। अभी देखा जाए तो क्या भाव रहा होगा आज? अभी देखो, अब मीडियम क्वालिटी पे जाए अपन तो 70 से 85 मीडियम क्वालिटी और अच्छी बेस्ट क्वालिटी जो बॉक्स क्वालिटी आती है, जो किसान काफी अभी 90% माल वो ला रहे हैं, उनके भाव देखो 20 से 25 हज़ार अभी बॉक्स क्वालिटी अच्छी क्वालिटी बिक रही है। तो अभी ये भी देखना आ रहा है मंडी में कि पहले जो है वो ट्राली में लेके आते थे, अब बॉक्स में लेके आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन यह है कि सफाई और एक क्वालिटी मिलती है। पहले क्या है कि बॉक्स में भाव अच्छे मिलते हैं और व्यापारी को जैसा माल चाहे वैसा मिल जाते हैं और किसान को इसमें भाव अच्छे मिलते हैं। हर किसान है ना बॉक्स क्वालिटी में माल लाना पसंद कर रहा और सफाई करके लाता है, तो जैसे डिमांड रहती है सामने वैसा माल तैयार हो जाता है। तो अभी किस किस तरह की लहसुन जो है मंसूर मंडी के अंदर आ रही है और क्या रेट बिक रही है? देखो, माल तो अपने मंसूर मंडी में तो सभी प्रकार का आ रहा है, लेकिन अपनी जो खास मंडी है लहसुन से प्रचलित है। लहसुन की आवक और अच्छी, व्यापारी भी यहाँ भी अच्छे हैं और किसान भी अच्छा माल लाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार क्या है कि भाव भी अच्छे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मंसूर मंडी में अपने किसान या एक बोरी लाए या फिर 10 बोरी लाए, एक बोरी का भी भाव उसको वही मिलेंगे ना, 10 बोरी भाव भी वही मिलेंगे। ऐसा नहीं किसान का एक बोरी लिया है या डेढ़ दो बोरी लिया है तो उसको भाव कम कर देंगे, ऐसा नहीं। जो वास्तविक जो मंडी के जो भाव है, जो भाव है, उसको किसान को भाव मिलेंगे। अभी क्या भाव चल रहा है? अभी मिनिमम 8 हज़ार से लगा के जो अच्छा माल बॉक्स क्वालिटी अच्छा है वो 20-22-25 हज़ार तक बिक रहा है। ऊँटी भी आ रहा है अभी या ऊँटी कम हो गया है? ऊँटी कम हो गया। ऊँटी माल ऐसा है कि अपन उसको रोक नहीं सकते हैं, वो गीला ही निकालना पड़ता है और सूखने के बाद उसकी कली हो जाती है और बहुत कांच की तरह रखना पड़ता है। बहुत सारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन वो अपने भाव के स्तर पर उस माल को निकालते हैं। तो ये जो ऊँटी है इसकी डिमांड ज़्यादा है या हमारे जो देशी आता है उसकी डिमांड ज़्यादा है? नहीं, ऊँटी साल भर नहीं चलता है, ऊँटी या 3-4 महीने चलता है और ये अपनी देशी डिमांड ज़्यादा रहती है, साल भर टिकता है। और ऊँटी इतना टिकता नहीं माल, उसकी सूखने के बाद कली हो जाती है माल की, इसलिए वो इतना नहीं टिकता है। तो मतलब अभी जो है क्या मार्केट एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में क्या डिमांड रही होगी और अपने यहाँ से कहाँ से कितनी डिमांड निकल के आ रही है कुछ है? नहीं, अभी डिमांड तो कहीं नहीं है अपने एमपी में, अपने भारत में माल भारत में बिक रहा, भारत में ये सेल हो रहा है। अभी बाहर कोई एक्सपोर्ट पर कुछ भी नहीं अभी, क्यों इस भाव में क्या है कि ये भाव बहुत ज़्यादा है, इस भाव में एक्सपोर्ट होता नहीं। कम भाव से शुरू होता है, मान लो 2,000-3,000 से होकर अगर 4-5 से 7 हज़ार तक, अगर 8-10 हज़ार तक अगर भाव बढ़ जाते एक्सपोर्ट चलता रहता। एकदम इस बार क्या भाव कम नहीं खोले, गए साल से डबल भाव खोले, इसमें एक्सपोर्ट अभी कोई चला नहीं है। तो क्या कारण है कि इतना उछाल इस बार आया है? वो सब माहौल बनाते हैं। एक तो जैसे लोगों ने माहौल बना दिया कि लहसुन पैदावार कम है, वास्तविक किसानों के पास वास्तविक जानकारी रहती है कि माल कितना और कितना नहीं है, हर चीज़ तेजी माहौल से बनती है। अब लोगों ने माहौल बना दिया कि भाव आएंगे नहीं, इस किसानों ने माल रोक लिया। तो स्टॉक भी किया होगा लोगों ने? लोगों ने अभी तो स्टॉक किसान कर रहे हैं, व्यापारी को स्टॉक नहीं कर रहा है, अभी स्टॉक नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर में भविष्य में क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति देखो, इस बार तो कुछ बाजार तो रहेंगे क्योंकि माल वाकई में जो अपने माल जो अपन को चाहिए उतनी जरूरत माल नहीं है अपने किसानों के पास। किसान नहीं बता सकता है कितना उसके पास माल है और कितना नहीं है, हम व्यापार तो एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक माल पैदावार कम है गए साल के मुकाबले हैं, तो भाव में कुछ बढ़ोतरी रहेगी। कितना तेजी, मतलब अभी अभी की कंडीशन भी अगर हम देखें तो 20-22 हज़ार करीब तो मिल रहा है अभी रेट में। आगे जब थोड़ा और माल कम हो जाएगा किसानों के पास में और मंडियों में थोड़ा कम आवक हो जाएगी, तब स्थिति कैसी रहेगी? स्थिति तो देखो, अगर माल कम रहा तो स्थिति कुछ भी हो सकती, डबल जैसे 5 वाली 10 हो सकती है, 20 वाली 30 हो सकती है, 30 वाली 35 हो सकती है, जो भी है डिपेंड ऑफ माल के ऊपर रहता है। तो इससे कम तो नहीं जाएगा सब कुछ जो है रेगुलर, इससे तो मंडी के भाव बाजार कम नहीं होंगे, लसन नहीं होने वाले। हाँ, इससे कम वाले भाव कम नहीं होंगे। तो प्रेम जी, जिनका कहना है कि अभी जो भाव है उससे कम तो नहीं रहने वाले हैं, लेकिन लहसुन में आगे भी, क्योंकि कई तरह की जो यहाँ कोटला माता है, हमारे मंदसौर के जिले के पास में रतलाम जिले में जो
कोटला माता लगता है, वहाँ पे भी जो भविष्यवाणी होती है उसको भी किसान और व्यापारी अच्छी खासी तरीके से मानते भी हैं और उस भविष्यवाणी पे विश्वास भी करते हैं। तो वहाँ जो भविष्यवाणी हुई है वह भी यही हुई है कि लहसुन में इस बार जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो कई व्यापारी और एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लहसुन में इस बार तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो मंदसौर मंडी के अंदर भाव है वो 20 से 22 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मंदसौर मंडी का लहसुन है वो बिक रहा है। तो किसानों ने भी थोड़ा स्टॉक किया हुआ है क्योंकि सबको ये अंदाज़ा है या उम्मीद है कि लहसुन में कहीं ना कहीं तेज़ी आगे देखने को मिलेगी। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंदसौर में दीपक शर्मा।